नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीपक नाइट्रेट शेयर के बारे में, जो कि आप जानते हैं केमिकल सेक्टर का एक बादशाह स्टॉक है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने 7.5% की एक जोरदार तेजी दिखाई थी। इसके बाद इसमें आगे की मूवमेंट क्या रहने की संभावना है, इस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इसके चार्ट को भी स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जेरोदा काइट ऐप में चलते हैं और इसके चार्ट को स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमने डे वन कैंडल को ओपन किया हुआ है, एक कैंडल एक दिन को यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले सितंबर के मध्य में इसने 888 का यहाँ पर एक हाई बनाया था और उसके बाद मार्केट में ठीक ठाक तेजी रही थी, लेकिन इस स्टॉक ने लगातार गिरावट दिखाई है और इस प्राइस बैंड में इसने लगातार कंसोलिडेट किया और एक अपमूव यहाँ से दिखाई है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि देखिए दोस्तों, इस कैंडल की ओर आप ध्यान देंगे, ये 8 से 10 दिनों की कैंडल इसकी आप देख सकते हैं। इसने 800 से 820 के प्राइस के बीच में लगातार यहाँ पर ये एक बंधा हुआ रहा है, ना तो नीचे गया है ना ऊपर गया है। देखिए 800 इसके लिए एक मजबूत सपोर्ट जोन बन चुका है, अब इससे नीचे जाने की संभावना तो बिल्कुल खत्म सी हो चुकी है। इस अवधि में आप देख सकते हैं ये स्टॉक एक दायरे में फंसा हुआ रहा था और इसी दौरान निफ्टी की क्या स्थिति रही थी, साथ ही साथ हम वो भी कंपेयर करके देखेंगे ताकि एक चीज समझने का प्रयास करेंगे हम यहाँ पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 से 10 दिनों के कैंडल जब आप निफ्टी में देखते हैं तो लगातार 12,600 से लेके 13,000 के आसपास की नॉन स्टॉप यहाँ पर तेजी हमें देखने को मिली है। बीच में एक दो दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन जरूर हुआ था, लेकिन दीपक नाइट्रेट ने यहाँ पर इन दिनों में, जबकि मार्केट बहुत ही तेज गति से दौड़ लगा रहा था, दीपक नाइट्रेट यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है और यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है और इसके बाद इसने एक बड़ी कैंडल एक ही दिन में दी है, जो कि इसके पिछले 2 वीक का जो हाई 840 का था उसके ऊपर भी इसने जाके ब्रेकआउट दिया है और 870 का पिछले ट्रेडिंग डे में इसने हाई लगाया है। और साथ ही साथ आप ये भी देखें कि जो पिछला इसका ऑल टाइम हाई है जो कि 888 प्राइस का है, इस लेवल तक ये जाने की अगले ट्रेडिंग सेशन में पूरा पूरा ट्राई करेगा। और अगर आप ये मान के चलें, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है यहाँ पर, अगर इसको ये यहाँ पर ब्रेक करता है तो इसके लिए ऊपर की ओर एक खुला नीला आकाश रहेगा जिसमें ये दौड़ने की पूरी चेष्टा करेगा और यहाँ से 900 से ऊपर निश्चित रूप से आपको टारगेट मिलेंगे जैसे ही ये ऑल टाइम हाई को 888 के अपने लेवल को ब्रेक करेगा। या दूसरी संभावना ये बनती है कि यहाँ से ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे की तरफ भी आ सकता है और अगर ये नीचे आता है तो भी इसके लिए इसका जो 840 का लेवल आप देख सकते हैं, जो कुछ 2 हफ्ते पहले का हाई है, इसके नीचे जाने की संभावना बहुत ही कम है, ना समान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 840 इसके लिए नीचे का सपोर्ट का काम करेगा और 888 इसके लिए एक रेजिस्टेंस का कार्य करेगा और अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो यहाँ से बहुत तेज़ी अच्छी देखने को मिलेगी और इस लेवल को तोड़ने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा इसलिए हम मान सकते हैं क्योंकि पिछला इसका जो अभी 2 नवंबर को रिजल्ट आए थे, 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले, वो रिजल्ट बहुत ही शानदार रहे थे। इस रिजल्ट को भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इसके फाइनेंशियल डेटा पर एक नज़र डालते हैं। जून 2020 में आप देख सकते हैं क्वार्टर वन में इसने 674 करोड़ की सेल की थी और सितंबर 2020 में क्वार्टर टू में इसने 987 करोड़ की टोटल रेवेन्यू की है और यहाँ आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है, 98 करोड़ से लेके 170 करोड़ का इसने लगभग डबल के आसपास, 90% के आसपास इसने जंप मारा है। और साथ ही साथ अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो सितंबर 2019 से आप देखें रेवेन्यू में इसमें थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, 1003 करोड़ से 987 करोड़ की इसने प्रॉफिट सेल की है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो 150 करोड़ से 170 करोड़ की इसने 20 करोड़ की बढ़ोतरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे की है, जबकि कोरोना काल भी चल रहा है
और मार्केट काफ़ी बाधित पिछले महीनों में रहा है, सेल भी काफ़ी बाधित रही, उसके बावजूद इसने 170 करोड़ की प्रॉफिट दर्ज किया है। तो इसी डेटा को आधार मानते हुए हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अगर 888 के भाव को अगर ये क्रॉस करता है तो इसमें आपको 900 सवा 900 के लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे। जिन लोगों ने इसे बाय कर रखा है वो इसे होल्ड कर सकते हैं और ऊपर के लेवल आपको मिलेंगे, वहाँ पर आप एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जो लोग नए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें, क्योंकि एक दिन में इसने काफ़ी बढ़त दिखाई है। अगर आप एंटर होना चाहते हैं तो यहाँ से 10 से 20 30 रुपए का भाव अगर नीचे मिलता है आपको तो आप 850 840 के आसपास एंटर हो सकते हैं। और जो लोग सेल करना चाहते हैं उनके लिए भी यही राय, फिलहाल इस लेवल पर सेल ना करें, 5 से 7 दिन इस स्टॉक को और दें, पूरी संभावना है कि आपको 900 से ऊपर के लेवल निश्चित रूप से दिखाएगा। इसी के साथ हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। आप दीपक नाइट्रेट के बारे में क्या व्यू रखते हैं कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल को भी लाइक करें। धन्यवाद।